Hello students, welcome back to this series and let's wrap it up quickly. We are all done with Mediterranean Sea, Caspian Sea, Black Sea, Red Sea, Persian Gulf. In last lecture we covered up Sea of Azov, Baltic Sea. So now let's proceed with North Sea and Adriatic Sea. So yeah, sorry guys, it's North Sea as well as Baltic Sea. We are all done with the Adriatic Sea. So these are two very important water bodies from Europe. So let's have a look. In first, this map looks complicated to a great extent because there are too many countries and UPSC may confuse you with whether Russia is a part of this boundary line or not. It does border Baltic Sea or not, whether Germany or not, UK. So please draw special attention over here. So have a look guys, I want your special attention on this Kaliningrad. Guys, it's part of Russia, please do remember. So, and for rest, we can have a look at the trick. Please note it down first of all. Trick says, rule Germany, sell Balti. Balti means bucket. Balti hum Hindi mein bolte ho. Rule Germany, sell Balti to Poland and Finland. Kitni countries hain? RU for Russia, DE for Denmark, Germany, sell. A stands for Sweden, E for Estonia, L for Latvia, right? So count the number of countries and let's come back to here. So let's mark these countries one by one. Okay, let's cover this word route. So just hold on. RU for Russia. Russia yahan pe nahi karna. Russia yahan pe hai, theek hai? Ye wala Russia nahi. Russia ka hi part hai, lekin ye Kaliningrad hai. Route. RUDE. D for Denmark. Please have a look. कोपेनहेगन यहाँ पे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, कोपेनहेगन सबमिट हुई थी. आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि कोपेनहेगन की सबमिट किस ट्रीटी के लिए हुई थी, किस इन्वायरमेंट की ट्रीटी के लिए हुई थी. प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ डू कमेंट. सो या रूट जर्मनी, सेल स्वीडन, पोलैंड, पोलैंड यहाँ पे एंड फिनलैंड. सो वेयर इज फिनलैंड गाइस, हैव अ लुक मैप में छिप गया. ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया. ठीक है, सो लिथुआनिया बिकॉज सेल में डबल ए है, लाटविया एंड लिथुआनिया. सो हैव लुक एट द ट्रिक अगेन. रूट जर्मनी, सेल बाल्टी टू पोलैंड एंड फिनलैंड. तो बाल्टी का कोई ट्रिक नहीं है गाइस. बाल्टी बोले तो बाल्टिक सी. इसको मैंने जो ट्रिक जहाँ से मैंने कॉपी किया उसमें मैंने बाल्टी इंक्लूड कर दिया गाइस, बिकॉज बाल्टी इंक्लूड होने से आपको पता है कि अब देखो कभी कभी ट्रिक याद है लेकिन अब ये याद ही नहीं कि ये ट्रिक हमने याद कौन सी वाटर बॉडी के लिए था. सो एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, पूरी प्रिपरेशन हम बहुत सिंपल रख रहे हैं, पूरी सीरीज को बहुत हद तक आपके फ्रेंडली बनाएंगे. सो या ये मैप के लिए, एक्स्ट्रा मैप के लिए सॉरी गाइस, एड्रेटिक सी का मैप पता नहीं कैसे रह गया. सो लेट्स कम बैक टू नॉर्थ सी. सॉरी या हैव लुक, यूके है, फिर नॉर्वे है. अगेन ये पूरा मैप लगता है कन्फ्यूजिंग कि इतनी सारी कंट्रीज है कैसे याद करेंगे. सो लेट्स गेट बैक टू द ट्रिक. प्लीज़ हैव लुक एंड नोट इट डाउन. नो बैक टू फ्रेंड्स, ठीक है, आप मांग सकते हो जब ज़रूरत होगी तो, बट नो बैक टू फ्रेंड्स इन जनरल. ओके, सो नो, एन ओ स्टैंड्स फॉर नॉर्वे, बी फॉर बेल्जियम, जी फॉर जर्मनी, एफ आर फॉर फ्रांस, E for England, N for Netherlands, D for Denmark and S for Scotland. So these are the countries, आप इनको एक एक करके अब मार्क करो. No big, ठीक है, sorry, yes. NO for Norway, B for your Belgium, G for your Germany. No big, let's go back. No big, no Norway, Belgium, Germany, ठीक है. फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में एफ आर देखो, एफ आर स्टैंड्स फॉर योर फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड. फ्रांस और इंग्लैंड देखो कहाँ पे, ये हो गया आपका यूके, हियर इज योर फ्रांस. अब देखो गाइस ये फ्रांस कहाँ कहाँ बॉर्डर करता है, एड्रेटिक सी को बॉर्डर करता है क्या, आप कमेंट बॉक्स में करो. फ्रांस, फ्रांस किन बॉर्डर बॉडीज को बॉर्डर करता है, प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स. हाउ मेनी वाटर बॉडीज डज फ्रांस टचेस. सो या
नीदरलैंड्स, डेनमार्क एंड स्कॉटलैंड। तो अब देखो स्कॉटलैंड कहाँ पे होगा, स्कॉटलैंड है यहाँ पे, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, राइट। सो नीदरलैंड्स यहाँ पे, एम्स्टर्डम। सो जस्ट हैव लुक कि इंग्लैंड कहाँ पे, लंदन कहाँ पे है, डब्लिन जो आयरलैंड की कैपिटल है जो आयरिश सी में पड़ता है, तो ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे व्हेन यू विल रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स दिस वीडियो, तो अब हर टाइम आप ये कोशिश करना कि आप देखो कि डब्लिन इट्स अ कैपिटल, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, लंदन ठीक है, नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम। सो ईस्ट वेस्ट ऑर्डर है, या कोपेनहेगन की सबमिट हुई थी, सो आप ईस्ट वेस्ट ऑर्डर ले लो या फिर आप नॉर्थ साउथ। तो एक बार आइडिया रहता है तो आप इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट करके पहुंच जाते हो आंसर तक। सो इट वाज डन, सो इट्स ऑलरेडी डन, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी ठीक है। सो वी आर डन विद दिस, सो लेट्स गो बैक टू द, लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट वन।